IPL फेज 2 का दूसरा मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया, जहां पर RCB को KKR से करारी हार मिली। विराट कोहली, जिन्होंने एक दिन पहले ही RCB की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया था, उनके लिए IPL फेज 2 का पहला मैच बेहद खराब रहा और कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के सामने इतिहास के पन्नों को एक बार फिर खोल के रख दिया। लेकिन इस बार एक चीज अलग थी, वो क्या है उसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले मैच की बात करें तो विराट कोहली ने कोलकाता के कप्तान ओयन मॉर्गन से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। अबू धाबी में खेले गए इस मैच में RCB की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने कप्तान विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल मैदान में उतरे। लेकिन विराट कोहली ने दूसरे ओवर में ही अपनी विकेट प्रशित कृष्णा को दे दी और 5 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं पावर प्ले में RCB ने अपना दूसरा विकेट भी खो दिया, जिसमें देवदत्त पडिक्कल 22 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद एक एक कर RCB के विकेट गिरते चले गए, जिसमें शिखर भारत, जो IPL का अपना पहला मैच खेल रहे थे, वो 16 रन बनाकर आउट हो गए। एवी डिविलियर्स पहली बॉल पर ही आउट हो गए। वहीं ग्लेन मैक्सवेल 10 रन बनाकर आउट हो गए। ना तो RCB का ओपनिंग और मिडल ऑर्डर रन बना पाया और ना ही आखिरी के बल्लेबाज टीम के लिए रन जोड़ सके, जिसके चलते RCB 19 ओवर में ही मात्र 92 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। 93 रन के लक्ष्य को पीछा करने उतरी कोलकाता के लिए लक्ष्य बेहद आसान था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि विराट के गेंदबाज KKR के बल्लेबाजों को रोक पाएंगे, क्योंकि विराट के पास काइल जेमिसन, मोहम्मद सिराज और युजवेंद्र चहल जैसे गेंदबाज मौजूद थे। लेकिन यूजी को छोड़कर एक भी गेंदबाज एक भी विकेट नहीं ले पाया और यूजी ने भी विकेट तब लिया जब कोलकाता मैच जीतने ही वाले थे, क्योंकि कोलकाता की तरफ से ओपनिंग जोड़ी शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर, जो IPL का अपना पहला मैच खेल रहे थे, उन्होंने बेहद शानदार बल्लेबाजी की, जिसमें शुभमन गिल ने 48 रन और अय्यर ने 41 रन की पारी खेली, जिसकी बदौलत टीम ने 10 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 94 रन बनाकर मैच को 9 विकेट से जीत लिया। साथ ही इस मैच में KKR के लिए खास बात यह रही कि KKR के लिए सबसे बड़ी जीत रही, क्योंकि KKR पहली बार किसी टीम से 9 विकेट और 60 गेंद के रहते हुए मैच को जीता था। KKR की तरफ से सबसे ज्यादा 3-3 विकेट आंद्रे रसल और वरुण चक्रवर्ती ने लिए और मैन ऑफ द मैच वरुण चक्रवर्ती को बनाया गया। अब बात करते हैं KKR ने किस तरह RCB से पिछले साल की करारी हार का बदला लिया। दरअसल पिछले साल इसी मैदान में कोलकाता ने बेंगलोर को 84 रन बनाकर 85 रन का लक्ष्य दिया था, जहां पर RCB ने 13 ओवर में ही 85 रन के लक्ष्य को पूरा कर मैच को आसानी से जीत लिया था, जो हार कोलकाता की टीम को काफी चुभी थी। जिसके बाद इस बार KKR ने उसका उल्टा किया और इतिहास के पन्नों को एक बार फिर RCB के सामने खोल कर रख दिया। लेकिन पिछली बार RCB विजेता रही थी और इस बार KKR विजेता रही। स्पोर्ट्स दरबार में आज के लिए बस इतना ही। स्पोर्ट्स से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।